अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। आज हम 10th क्लास की एक एक्टिविटी को सॉल्व करने लगे हैं, जो क्या है, चैप्टर 1 में है। और जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या है, 1.4। ओके, यानी कि आज हम 10th क्लास को डिस्कस करने लगे हैं, और जिसकी क्या है कि हमें फर्स्ट एक्टिविटी को सॉल्व करने लगे हैं, आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सी प्रोग्राम। ओके, यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास सी प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसको हमने डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ C++ प्रोग्राम पढ़ा था, या क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया था। यानी कि हमारे पास जो सी प्रोग्राम है, जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। हमने ये कहा था कि जो भी प्रोग्राम क्या है कि हम सी लैंग्वेज के अंदर ये क्या है सी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, तो जो उसका फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्रामिंग। ओके, यानी कि क्या है कि सी लैंग्वेज, अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो तो बेसिकली क्या थे कि जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम है, उसके हमारे पास कितने पार्ट्स थे, उसके स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पार्ट्स थे। पहले पार्ट्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, यानी कि स्टूडेंट जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, ये क्या होता है, ये हमने क्या कि अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट डिस्कस किया। हमने इसके सारे पार्ट्स को देखा, कि हमने ये भी देखा कि हम लोग इसको किस तरह राइट करते हैं, हम लोग किस तरह इसको लिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 2 है, उसका नाम क्या है, मेन फंक्शन। यानी कि हमारे पास मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन के भी बारे में स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट देखा। और जो थर्ड पार्ट है, उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी, या क्या है, सी स्टेटमेंट। ओके, इनके बारे में क्या है कि स्टूडेंट्स हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट देखा कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम क्या क्या होता है। ओके, तो यही तो बात उसने यहां पर की है कि आइडेंटिफाई करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सी प्रोग्राम। ओके, यानी कि ये जो हमारे पास एक्टिविटी है 1.4, इस एक्टिविटी के अंदर हमने उसको ये बताना है कि हमारा क्या है कि जो एक प्रोग्राम है वो कितने पार्ट्स के अंदर है, और हमने यहां पर क्या है कि उन पार्ट्स की डिटेल भी उसको बतानी है, सिर्फ नाम नहीं बता रहे। मतलब क्या है कि पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वो क्या है कि आपने यहां पर लिख कर भी बताना है कि इस पार्ट्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। जब हम इसकी एग्जाम्पल से गुजरेंगे तो आपको डिटेल में अभी पता चल जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, सबसे जो हमारे पास पहला पार्ट है, पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, अगर आप अपनी प्रीवियस क्लास को अगर आपने गौर से सुना होगा, तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, ये क्या होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा कहां से शुरू होते हैं, शार्प के सिंबल से। कहां से शुरू होते हैं, शार्प के सिंबल से, या क्या होते हैं, हैश के सिंबल से स्टार्ट होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट, स्टूडेंट जो हमारे पास पहला पार्ट है, पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, यानी कि पहले हमने क्या लिखना है, हैश इनक्लूड। ओके, क्या लिखना है, कोन्यू डॉट एच, फिर आपने क्या लिखना है, हैश इनक्लूड स्टडी डॉट एच। ओके, इस पार्ट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, यानी कि ये हमारे पास क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट वाला मेथड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैश इंक्लूड। यानी कि ये अब हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, हेडर फाइल के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, यानी कि हेडर फाइल भी क्या है कि कंसिस्ट होती है आइडेंटिफाइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सी प्रोग्राम। ओके, यानी कि जब हम सी लैंग्वेज के अंदर, जब हम क्या है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो कितने पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, वो कितने पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो वो क्या स्टूडेंट, 3 पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन, तीसरे को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट। तो ये पहला हमारे पास पार्ट क्या है,
परी ओके, यानी कि इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, परी परो सेल्फ अट्रैक्टिव बोलते हैं। अगर आप नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा पार्ट आ रहा है, मेन फंक्शन कौन सा आ रहा है, मेन फंक्शन। तो उसमें सब नीचे क्या लिखेंगे, वाइड मेन। ओके, ये अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन है। क्या है स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड हमारे पास क्या है, प्रोग्राम बॉडी। क्या है स्टूडेंट्स, प्रोग्राम बॉडी या क्या है, सी स्टेटमेंट। ओके, यानी कि जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी या क्या है, सी स्टेटमेंट। तो अभी क्या है कि हमने यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, प्रोग्राम बॉडी को डिक्लेयर करना है। तो अभी हम यहां पर स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे, प्रिंट एफ। क्या लिख लेंगे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में आप कोई भी वर्ड को डिस्प्ले करवा लें, आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ओके, यानी के क्या है कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूं। ये क्या है कि हमने ब्रैकेट को यहां पर ओपन किया था, स्टूडेंट्स यहां पर लाकर क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया, और नीचे क्या कि आप लोग गेट सी एच। ओके, ऑलराइट। अभी तक हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास क्या है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सी प्रोग्राम। ओके, यानी कि सी प्रोग्रामिंग को जब क्या है कि आप लोग स्टार्ट करते हैं, तो जो सी का प्रोग्राम होता है वो क्या होता है कि वो थ्री पार्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स डिपेंडेंट होता है। तो जो हमारे पास पार्ट वन होता है, इस पार्ट वन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या कहा है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, यानी के हैश इंक्लूड कोरियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्केड्यूल डॉट एच, इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ओके, अगर आप नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन। क्या बोलते हैं ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन। क्या है, मेन फंक्शन। ओके, अब इस ओपनिंग ब्रेस से लेकर और क्लोजिंग ब्रेस तक, यानी कि इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेस, ये क्या है, ओपनिंग ब्रेस। ओके, यहां से क्या है कि स्टूडेंट्स हमारी जो कर्ली ब्रेस है ये शुरू हो रही, यहां पर क्या है कि जो हमारी कर्ली ब्रेस है ये खत्म हो रही। ओके, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे ये आप गेट सी एच से पहले लगा लें ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस, चाहे आप गेट सी एच के बाद लगा लें, ठीक है। इसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस भी बोलते हैं और ओपनिंग ब्रेस भी बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली क्या है, मेन फंक्शन है। यहां से क्या है कि ये जो हमारी ओपनिंग ब्रेस है ये शुरू हो रही है, और यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, क्लोज हो रही है। यानी कि यहां से क्या है कि जो ये हमारी ओपनिंग ब्रेस है ये शुरू हो रही, यहां पर क्या है, क्लोज हो रही। इन ब्रैकेट्स के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट। ओके, यानी कि वाइड मेन लिखा, ये अब हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन की ये स्टूडेंट्स हमारे पास है कर्ली ब्रेस, इस कर्ली ब्रेस से लेकर इस कर्ली ब्रेस तक, यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट से लेकर इस कर्ली ब्रैकेट तक आपने इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी या क्या है, सी स्टेटमेंट, ठीक है। अभी इनके बारे में इतनी ज्यादा डिटेल में कोई क्लास देने का मकसद नहीं है, अभी तक सिर्फ आपको ये बताना था कि जो हमारा सी का एक प्रोग्राम होता है वो कितने पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, वो स्टूडेंट्स कितने पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, तीन के ऊपर। पहले को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, परी प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन, तीसरे को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट। जो हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परी प्रोसेसर डायरेक्टिव। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, वाइड मेन, ये अब हमारे पास क्या, मेन फंक्शन है। और इस कर्ली ब्रैकेट से लेकर इस कर्ली ब्रैकेट तक, यानी कि इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितना भी कुछ आएगा उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बॉडी या सी स्टेटमेंट। तो ऑलराइट, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सी के पार्ट्स के प्रोग्राम के अंदर कोई भी किसी किस्म की कोई भी क्यूरी नहीं होगी। तो प्लीज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना है। आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था।